तारीख जिसके पटल पर सदियों का इतिहास बदल गया, वो तारीख जिस दिन के लिए दशकों से इंतजार किया जा रहा था, अयोध्या के शिलापट पर अंकित हुआ ये सुनहरा दिन जिस पर झूम कर नाचा हिंदुस्तान, सालों से जिसका इंतजार था वो दिन 22 जनवरी को आ गया जब राम सदा सदा के लिए अपने दरबार में विराजमान हो गए। दुनिया के करोड़ों दिलों में बसे राम आज जब अपने गर्भगृह में विराजमान हुए तो इस पल का साक्षी पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व राम की मनोहर छटा का गवाह बना। अयोध्या में देश की तमाम बड़ी हस्तियां इस पल की साक्षी बनी। पीएम मोदी इस अनुष्ठान में मुख्य यजमान के रूप में पहुंचे तो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसकी अगुवाई की। कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर सभी बड़ी विभूतियां शामिल हुई। पिछले कई दिनों से अयोध्या की धरती पर धर्म की धूम देखने को मिल रही थी। सोमवार सुबह से ही परिसर में भक्ति की भव्यता और सनातन की झलक दिखने को मिली। आखिरकार दोपहर होते होते वो वक्त भी आया जब इस ऐतिहासिक घड़ी की दुनिया ने दर्शन किए। वो मौका भी आया जब मंत्रोच्चार के साथ तीनों लोकों के स्वामी के माथे की पट्टियां हटाई गई। दुनिया ने अपने आराध्य की ये पहली तस्वीर देखी। प्रभु श्री राम के कपोल और कोमल नयन के जिसने भी देखा बस निहारता रह गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश के प्रधानमंत्री मंच पर आए तो उन्होंने इस तारीख और आज के दिन की राम की महिमा के दर्शन कराए, साथ ही इस दिन को आने वाले सैकड़ों सालों के शिलापट पर स्थापित कर दिया। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। प्रभु श्री राम के मंदिर में विराजमान होने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान भागवत ने कहा कि राम गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं लेकिन हमें उनकी राह पर चलना होगा। मोहन भागवत ने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था उस उद्देश्य के अनुकूल अपने आचरण को विकसित करना होगा। सदियों के इंतजार के बाद भगवान राम अयोध्या की धरती पर पधारे तो सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश दुनिया में उनके स्वागत का इंतजाम किया गया। हिंदुस्तान के हर कोने में लहराते भगवा ध्वज और हर तरफ बजती राम की धुन, हर कोई मगन नजर आया। इस मौके पर संत समाज ने भी पीएम मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया। अयोध्या में राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। 22 जनवरी की ये तारीख सदियों सदियों के लिए देश के पटल पर पुख्ता हो गई है जिसके चर्चे आने वाली मानव जाति की कई पीढ़ियों तक किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द ग्राउंड न्यूज।